हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बेटा आज जो असी एनटीसी दी प्रेपरेशन दा टॉपिक करांगे बेटा जी, वो है नाइन्थ क्लास दा चैप्टर सेक्स टिश्यूज। बच्चे असी जानते हाँ कि जेडे एक सैली जीव हुंदे ने, असी पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर सैल विच, यानी कि अमीबा अगर असी उदाहरण लईए, तो जेडे एक सैली जीव सीगे उन्हां विच जिन्नियां भी सारियां दी सारियां जैविक प्रक्रियावां सी वह सारिया इको ही सैल विच हुंदियां सी, यानी कि चलना फिरना, भोजन ग्रहण करना, गैसा दा आदान प्रदान, मल त्याग करना, एक ही सैल काम कर रहा सी। पर जेकर असी गल करिए बहुसैली जीवां दी, जिवें कि उदाहरण वजो असी मनुख लै लईए, तो उहदे विच असी यह पढ़िया सी कि उहनां दा शरीर गुंजलदार हुंदा है, जिहदे करके उहनां दे शरीर विच जिन्नियां भी क्रियावां हो रहियां ने, साह क्रिया है, लहू गेड़ प्रणाली है, पाचन क्रिया है, मल निकास क्रिया है, नाड़ी प्रणाली है, ये ने खास किस्म के सैल होंगे, स्पैशल सैल्स होंगे साढ़े अंदर, जिदे करके असी एक चीज़ यह कर सकते हैं कि भाई जिन्हें भी मल्टी सैलर ऑरगैनिजम्स है वो आपसी, वो जड़े जीव ने वो आपसी कम वंड दिखाते हैं। कम वंड मतलब डिवीजन ऑफ लेबर, कि हर एक टिशू नू अलग अलग, हर एक सैलां दे झुंड नू अलग अलग कम वंडिया गया है। तो यदा मतलब यह हो गया कि जड़ा बहुसैली जीवों में सैलों का समूह से जड़ा अलग अलग काम कर रहा, एक निश्चित काम कर रहा, उसनों असी की क्या सी बेटा, टिश्यू, राइट। दैन बेटा नैक्सट पॉइंट आप पढ़ते हाँ कि जेडे एक पौधे ने ते जंतु है, क्या उन्होंने सेम टाइप के टिश्यूज सके, तो साडा आंसर हुंदा सी नो, उन्होंने डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज ने, क्योंकि उन्होंने दो मेन डिफरेंस है। एक होंगे कि जेडे पौधे ने इको जगह पर खड़े ने, स्थिर ने, ठीक है, जिस करके उन्होंने ज़्यादा मजबूती की लोड़ है, और इस कारण उन्होंने जोड़े शरीर से ज़्यादा मात्रा च मृत सैलों के बने हुए से, जो टिश्यू सके वो डेड सैल्स के सके, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा सपोर्ट की जरूरत सी। और इन्हों की तुलना में अगर मैं जंतुआ की गल कराँ तो जंतुओं भोजन की भाल में, साथी की भाल में, या सुरक्षा लई एक थान तो दूजी थान जाना पैंदा है, राइट बेटा। तो इट मीनस जो उन्हों का शरीर है वह ज़्यादातर जीवित सैलों का बनया हों। और एक होर बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों के विच कि जेडे पौधे ने उन्हों की जो ग्रोथ पैटर्न है वो डिफरेंट है, आप कहने वो इनडिटरमीनेट है, ठीक है ना, वो लिमिटेड ग्रोथ नहीं हैगी। बट यही जेकर मैं जंतुआ की गल कराँ तो असी की कहने कि इन्हों की ग्रोथ की है, लिमिटेड है, जिन्होंने असं कह दें कि वह डिटरमीनेट है। बेटा पौद्या विच कुछ टिशू अजिहे होंगे जिन्हों विच सारी उम्र सैल वंड होंदी रहिंदी है, यह टिशू कुछ सीमित थावां ते स्थित हुंदे हन। बेटा सैल वंड दी इस समर्था दे आधार ते ना पौधा टिशुआ नूं अस्थाई टिशू, यानी कि वाधा टिशू, या स्थाई टिशू विच वंडिया जांदा है, क्लियर बेटा। तो आपां इह कहांगे कि पौद्यां विच मुख तौर ते जिहड़ा वाधा हो रहा है वह जड़ दे सिरियां ते या तणियां दे सिरियां ते हो रहा है। इट मीनस इन्हां जगह ते कुछ इदां दे टिशू मिलदे हन जिहड़े तेजी नाल विभाजित हुंदे रहिंदे ने, वधदे रहिंदे ने। इन्हां टिशुआं नूं असीं विभाजन योग टिशू या मेरिस्टेमैटिक टिशू कहिंदे आ। तो बेटा स्थिति दे अनुसार कि किहड़ी जगह ते विभाजन योग टिशू प्रेजेंट होएगा उहदे अकॉर्डिंग आपां इस टिशू नूं तीन डिफरेंट टाइप्स च डिवाइड करदे आ। सब तो पहला आंदा बेटा एपिकल मेरिस्टेमैटिक टिशू। एपिकल विभाजन योग जिहड़ा टिशू हुंदा बेटा वह जड़ अते तनियां दे सिरिया से मौजूद होंगे, सिरिया मतलब उन्होंने टिप्स से मौजूद होंगे। तो अपने आप सोचो अगर वो टिप से मौजूद है तो वह कि हेल्प कर रहा है, जड़ अते तने की लंबाई वधन विच मदद करता है। दूसरे नंबर पर बेटा असं पढ़ते हाँ लेटरल जा बगली विभाजन योग टिशू। हूँ बेटा जिहड़ा लेटरल टिशू है वह पासियां से होएगा और इस दे कारण जड़ां दी या तने की मोटाई विच वाधा हुंदा है। और थर्ड नंबर पर बेटा साढ़े को आता है इंटर कैलोरी या अंतरवेशी विभाजन योग टिशू। बच्चे यह जो टिशू है आप देखते हैं गठा गठा यानी कि नोड्स के नेड़े होंगे, यदा मतलब है इंटर नोड की लेंथ इनक्रीज करन से मदद करेगा। तो बेटा आप देखा कि जेडे मेरिस्टेमैटिक टिशू जोड़ा है वह विभाजन योग टिशू है, तो इट मीनस जोड़े सैल हो बहुत फुर्तीले हो, साइटोप्लाजम इन्हों का बहुत गाढ़ा होएगा क्योंकि इन्हें बहुत सारा मैटाबॉलिक यानी कि फंक्शंस यानी कि बहुत सारिया क्रियावान करनिया होनगियां अपने अंदर, और इन्हों का बड़ा स्पष्ट जिहा केंद्रक हुंदा, डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस हुंदा
और ये खूब वड्डा सारा सेंटर दे विच वैक्यूल यानी कि रास्तानी नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि ये सैल ने की करने बहुत तरह दी डिफरेंट एक्टिविटीज़ करनी है और ये इन्हों कि जरूरत पेगी साइटोप्लाज्म की, इस करके इन्हों के अंदर वैक्यूल प्रेजेंट नहीं है। तो इट मीनस बेटा कि जदों लगातार वाधे जां सैल विभाजन होने करके आप देखते हैं कई बार जिहड़े सिरियां दे उपर टिश्यूज होंदे ने ना वो अपनी ना सैल डिवाइड करन दी जिहड़ी समर्था है जिहड़ी कैपेबिलिटी उहनू खत्म कर देंदे है, जिहदे करके वो टैंपरेरी तो अस्थाई तो किहदे विच बदल जाते हैं स्थाई टिश्यू विच यानी कि परमानेंट विच बदल जाते हैं। क्लीयर बच्चे? तो जिहड़े कुछ स्थाई टिशू होंगे ने जेकर इन्हों की बनतर सरल है यानी कि इको तरह के सैलों तो बने ने तो इन्हों असं सरल स्थाई टिशू कहने और जेकर इन्हों की बनतर गुंझलदार है तो असं इन्हों गुंझलदार स्थाई टिशू कहते हाँ। हाँ जी बच्चे, हूँ असी अस्थाई टिशू बारे पढ़िया तो हूँ जो नैक्सट असी पढ़न जा रहे हैं वह है स्थाई टिशू यानी कि जेडे सैल विभाजन की समर्था खो बैठते हैं तो एक कोई खास काम का जिम्मा ले लैन उन्हों असी की कहने स्थाई टिशू कि उन्होंने स्थाई टिशू बन गए हैं। बेटा जो स्थाई टिशू है आप देख रहे हैं असी ये दो टाइप्स पढ़िया सरल तो गुंझलदार। अगर असी सरल द सरल की गल करते हैं तो मैं कहूँगी कि सरल स्थाई टिशुआ की बनतर तो उन्होंने कामों के अनुसार असी इन्हों फिर अगे तीन टाइप्स डिवाइड करते हैं। राइट, देखो सब तो पहला जी थोड़ी स्लाइड पर लिखा वह है पेरेनकाइमा टिशू, सैकेंड है कोलेनकाइमा और थर्ड है स्क्लेरनकाइमा। सब तो पहला बेटा अगर असी पेरेनकाइमा बारे पढ़िए तो असी यह कहने कि जो पेरेनकाइमा टिशू होंगे बच्चे यदी जी सैल की सैल कंध होंगी है वो पहली गल बहुत पतली होंगी है बाकी सैलों के मुकाबले दूजे टिशुआ के मुकाबले और यह जीवित सैल होंगे। याद रखियो कि यह लिविंग सैल्स होंगे ने यह बहुत खुले खुले पे होंगे जिन्हों के कारण इन सैलों के विचकार काफ़ी खाली जगह का अंतर होंगे। तुसी फर्स्ट डाय पिक्चर च देख सकते हो क्लीयर कि राउंडेड सैल्स बने हुए हैं और उन्होंने विचकार इंटरसैलर स्पेसिस प्रेजेंट है। बेटा हुण इन्हां दा फंक्शन की है पेरेनकाइमा दा आपां पढ़िया कि यह भोजन नूं भी स्टोर करते हैं और कई बार आपां देखते हैं कि पेरेनकाइमा टिशू के अंदर ना क्लोरोफिल होंदी है तो जदों इन्हां च क्लोरोफिल होएगी तो इस टिशू नूं असी पेरेनकाइमा ना कह के असी कहने क्लोरेनकाइमा। राइट, तो तुहानूं पता है अगर क्लोरोफिल होएगी तो यह फोटोसिंथेसिस करेगा। दैन नैक्सट सेकेंड टाइप आप कहने कि भाई अगर इन्हों पेरेनकाइमा सैल्स के अंदर हवा भरी हुई हो ठीक है हवा के कारण हल्का हो जाएगा तो असी एदा नाम की रखते हैं बेटा एरेनकाइमा। तो एरेनकाइमा होएगा यानी कि आप देखते हैं जिन्हें भी एयर कैविटीज़ होनगियाँ खाली जगह होनगियाँ प्लांट के सैल्स के अंदर तो उन्होंने की करनगियाँ पौधे नूं हल्का रखनगियाँ जिवें कि एक्वैटिक प्लांट्स के अंदर एरेनकाइमा मौजूद होंदा। याद रखना क्यों होंदा एक्वैटिक प्लांट्स एरेनकाइमा? क्योंकि यह टिशू उन्होंने पानी विच तैरन विच मदद करता है। बेटा नेक्स्ट जो हूँ स्थाई टिशू की टाइप है वह है कोलेनकाइमा। देखो कुछ पेरेनकाइमा दे ही सैल होंगे है जेडे पत्तियां नूं ते तनियां नूं टुटन तो बचाने लई उन्हां नूं लचीलापन यानी कि फ्लैक्सीबिलिटी प्रदान करते हैं उन्हां टिशुआ नूं असी कोलेनकाइमा टिशू कहने हैं। बेटा तुसी डायग्राम इहदा ध्यान नाल देख सकते हो कि जेडे इहदे सैल्स होंगे ना आपां कहने जीवित है भी लिविंग सैल्स ने जिद्दां कि पेरेनकाइमा दे लिविंग सैल्स सी इस उहदे सैल्स राउंडेड सी पेरेनकाइमा दे पर आपां इहदे देखदे हां इहदे इलोंगेटेड यानी कि लंबूतरे जे सैल होंदे ने जिन्हां दे विचकार जिहड़ियां खाली थावां होंदियां ने बेटा वह बहुत घट होंदियां ने खाली थावां और आपां देखदे हां कि इहदे कॉर्नरस ते ना एक्सट्रा सैलूलोज जमा हुई होंदी है। तो बेटा यह जिहड़े ने पौधे विच खास करके तंदड़ियां यानी कि जिहड़ियां टेंड्रिल्स कहिंदे आ टेंड्रिल्स ते तने नूं बिना टुट्टे आसानी नाल चुकन विच सहायता करता है। और थर्ड टाइप है बेटा स्क्लेरनकाइमा टिशू। असीं देखते हैं कि कुछ सैलों में एक विशेष पदार्थ बड़े स्ट्रोंग मटीरियल होंगे जिन्हों असीं लिगनिन कहने हैं। याद रखना नाम लिगनिन यानी कि जिहड़ी स्क्लेरनकाइमा टिशू दे सैल्स ने उन्हां दी जिहड़ी सैल कंध है कि उहदे विच की जमा होया होंदा बेटा लिगनिन। लिगनिन दे जमा होने करके इस दे जिहड़े सैल होंदे ने वह मृत हो जाते हैं तो इन्हां दीआं जिहड़ीआं दीवारां होंदीआं ने बहुत मोटियां हो जांदीआं ने इन्नियां मोटियां कि इन्हां दे विच जिहड़े खाली स्पेसिस ने इंटरसैलर स्पेसिस वो बिल्कुल भी नहीं रहिंदे। क्लीयर बेटा? इहदे च उदाहरण साडे कोल देखी जांदी है नारियल दे रेशे, तुसीं देखिया होना एक कोकोनट जिहड़ी उहदी बाहर वाली ब्राउन कलर दी कवरिंग होंदी जिहड़ी आपां रेशे उतारदे आ वो सारा स्क्लेरनकाइमा टिशू है
या फिर बीजां दे सखत छिलके हो गए, सुक्के फुल्लां दे कठोर छिलके हो गए, पत्तियां दियां शिरावां हो गईयां। इट मीन्स जिथे यानी कि इन्हें सपोर्ट चाहिए है, मेन इन्हें की देनी है, उन्हें सपोर्ट देनी है, कठोरता देनी है एक प्लांट नूं। क्लियर? वो टिशू का नाम की है? स्क्लेरेनकाइमा टिशू। बेटा जी नेक्स्ट हुण असीं बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़न जा रहे हैं, गुंझलदार स्थाई टिशू। बेटा इस विच कई तरह के सैल होंदे ने, पर यह सैल आपसी तालमेल करके ना एक सांझा काम करते, यानी कि कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और ये असी केड़ियां उदाहरण पढ़ते हैं बेटा? जाइलम अते फ्लोइम, ए दो मेन एग्जाम्पल्स ने। क्लीयर? हुण बच्चे ए दोवें वहनी टिशू ने, तुहानू पुछ सकदा है कि ये की ने? ते दोनों वैसकुलर बंडल्स ने, यानी कि वहनी टिशू ने। अगर पूछा जाए कि वहनी टिशू केड़े है, तो वह केड़े ने? जाइलम ते फ्लोइम, अते वहनी बंडल बनाते हैं। क्लीयर? और जिहड़ा वहनी टिशू है बेटा, अगर यह पौद्यां विच विकसित है, तो इहनू किहदे च हैल्प कर रहे? आपां देखदे हां जिहड़े प्लांट्स टेरेस्ट्रियल हैबिटैट च रहिंदे ने, यानी कि थली वातावरण च अनुकूलित हुंदे ने, उत्ते इहना वहनी बंडल का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्लीयर बेटा? तो अगर असी सब तो पहला जाइलम की गल करिए, तो असी यह कहने कि जिहड़ा जाइलम टिशू है वह पौद्यां विच पानी, यानी कि असी याद किद्दां करदे सी? जज्जा जल, जज्जा जाइलम। यानी कि इत्थों याद रख लो कि जाइलम टिशू ने पौद्यां विच पानी अते खनिज पदार्थां नूं पौद्यां दे उपरले भागां तक पहुँचाउण विच सहायता करनी है। राइट बेटा? हुण जिहड़ा जाइलम टिशू है, जेकर असीं इहनूं गुंझलदार कहते हैं, इहदा मतलब है अलग अलग तरह के सैलां का बनया। तो असीं हुण पढ़दे हां कि किहड़े चार किस्म के सैलां का बनया है। सब तो पहला बेटा आंदा है जाइलम ट्रैकीड्स, जाइलम पेरेनकाइमा, जाइलम वैसल्स अते जाइलम रेशे। जेकर असी इन्हां दे कम की गल करिए, तुसी डायग्राम देख रहे हो, सब तो पहला ट्रैकीड अते वैसल की जे गल करिए, तो जिहड़े ट्रैकीड ते वैसल्स हुंदे, इन्हां दी संरचना देखो नाली नुमा है। राइट? जो कि पानी अते खनिजा नूं हेठां तों उपर वल ढोण च मदद करेगी। क्लीयर बेटा? अगे देखो जाइलम पेरेनकाइमा बने ने, हुण इह पेरेनकाइमा का काम की है? इहदे विच भोजन जमा रहेगा। राइट? स्टोरेज ऑफ फूड करनी है। और थर्ड जेकर असी गल करिए रेशे दी, तो देखो दोनों साइड्स तो पॉइंटेड ने, इन्हों का मेन काम की है? प्लांट नू सपोर्ट प्रोवाइड करनी, यानी कि सहारा देना। नेक्स्ट आ गया बेटा फ्लोइम। तो फ्लोइम जड़ा है वो टिशू मुख तौर पर पत्तियां द्वारा तैयार किए भोजन पौधे के वक् वक् भागों तक पहुँचाता है, यानी कि इन्हें कि ट्रांसपोर्टेशन करनी है? फूड की। क्लीयर बेटा? तो जिहड़ा फ्लोइम है वह भी चार भागों का बनया होया है। सब तो पहले आप पढ़ रहे हैं सीव ट्यूब, फिर आगे सह सैल जिन्हों कंपेनियन सैल्स किया जाता है, फ्लोइम रेशे अते फ्लोइम पेरेनकाइमा। बेटा हुण देखो जिहड़ियां सीव ट्यूब्स ने, वह भी नलीनुमा सैल्स ने। राइट? जिन्हां दी असीं देख रहे हैं मैमब्रेनस ने, भित्तियां ने, वह मुसामदार हुंदियां ने, यानी कि पोरस हुंदियां ने। तो जिहड़े फ्लोइम रेशे है इन्हां दे अंदर उन्होंने की प्रोवाइड करनी है? सपोर्ट प्रोवाइड करनी है। बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जाइलम ते फ्लोइम विच, कि जिहड़ा जाइलम है ना, जाइलम दे भी असी चार भाग पढ़े, चार तरह के सैल पढ़े, उन्हां चारां सैलां चों याद रख लो कि केवल जाइलम पेरेनकाइमा ही की सी, एक जीवित सी, बाकी तीनों जिहड़े सैल असी पढ़े ट्रैकीड्स, वैसल्स ते फाइबरस, तीनों की सी मृतक सैल सी। लेकिन यही जेकर मैं फ्लोइम दे तीनों तरह के सैलां की गल करां, तो फ्लोइम दे अंदर केवल जिहड़े फ्लोइम फाइबरस ने, जो कि स्क्लेरेनकाइमा टिशू के बने ने, केवल वो मृतक यानी कि डेड होंगे ने, पर बाकी तीनों जिमें कि सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सैल्स अते फ्लोइम पेरेनकाइमा, तीनों के तीनों की है बेटा? लिविंग सैल्स ने। तो बेटा जी हुण तक असी पढ़ लिया प्लांट टिशू बारे। क्लीयर? नैक्सट जो असी टॉपिक शुरू करन जा रहे हैं वह है एनीमल टिशू, यानी कि जंतु टिशू। बेटा तुसी जानते हो जिहड़े जंतु ने ज़्यादातर सारे मल्टी सैलर ऑरगैनिजम्स ने, तो उन्होंने जिहड़े मौजूद अंग होंगे ने, यानी कि ऑरगनस होंगे ने, वो कई अलग अलग तरह के फंक्शनस परफॉर्म करते। तो बई अलग अलग तरह के फंक्शनस जो परफॉर्म कराने, तो सानू कई तरह के डिफरेंट टाइप्स के टिशूज चाहिए होंगे। क्लीयर? ये अंदर असी एनीमल्स अंदर चार मेन टाइप्स के टिशूज पढ़े से बच्चे। एक पढ़िया से असी आदिछत टिशू, फिर आप पढ़िया से आदिशद नूं बेटा असी एपीथीलियल टिशू कहने, दैन असी पढ़िया सी जोड़क टिशू जो कि कनैक्टिव टिशू है, थर्ड असी पढ़िया सी पेशी टिशू जिन्हों असी मस्कुलर टिशू कहने,
और लास्ट असी पढ़ते सी नाड़ी टिशू जिन्हों असी नर्वस टिशू किया गया सी। तो बेटा असी सब तो पहली टाइप पढ़न जा रहे हैं अधिछद टिशू यानी कि एपीथीलियल टिशू। बेटा जिहड़ा टिशू हुंदा है यह साढ़े शरीर की बाहरी परत यानी कि जिन्होंने असं एपीडर्मिस कहने अंदरूनी अंगा की बाहरी परत अते शरीर के जिहड़ी शरीर दियां खोड़ां हुंदियां ने जिहड़ी शरीर के अंदर कैविटीज़ हुंदियां उन्हां नूं ढक्कण का काम करती है कवर करन दा काम कर रही है। क्लीयर बेटा? तो बेटा यानी कि जिहड़े अधिछद टिशू के सैल्स हुंदे ना बहुत नाल नाल पए हुंदे है तो एक बजवी तह बना देंदे ने बिल्कुल क्लोज स्ट्रक्चर बनाते हैं और इन्हां सैलां दे विचकार कोई भी खाली जगह नहीं हुंदी ते सैलां नूं जोड़न वाला पदार्थ भी बहुत घट हुंदा। इसलिए असीं कह सकांगे कि शरीर दे अंदर आने वाले या बाहर जाने वाले जिहड़े पदार्थ होणगे उन्हां नूं घट्टो घट आपां कह रहे हाँ सैलां दी एक तह विचों लंघ के जाना पएगा। क्लीयर बेटा? इस चीज़ नूं इस की कहांगे असीं कि जिहड़ी परमीएबिलिटी हो गई यानी कि कीड़ी चीज़ अंदर जा रही है कीड़ी चीज़ बाहर जा रही है उहदे कंट्रोल विच ए वाला जिहड़ा टिशू है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे। क्लीयर बच्चे? और एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट याद रखना है कि मैं तुहानूं जिन्ने भी किस्म दे हुणे ये एपीथीलियल टिशू बारे दसांगी ये सारे एक रेशेदार आधार झिल्ली दे उपर हुंदे ने। आधार झिल्ली यानी कि एक बेसमेंट मैमब्रेन दे उपर पए हुंदे है। क्लीयर बेटा? जदों असीं अधिछद टिशू की गल करते हाँ इहदीआं डिफरेंट टाइप्स की गल करते हैं तो सब तो पहली टाइप असीं पढ़दे हाँ बेटा स्केली अधिछद टिशू। हुण बेटा जो स्केली यानी कि सिंपल स्क्वैमस एपीथीलियल टिशू है ये अंदर आप पढ़ते हाँ कि ये जो सैल्स होंगे बहुत पतले तो चपटे होंगे जिमें कि तुसी फर्स्ट डायग्राम विच देख सकते हो और ये बहुत बरीक तह बनाते हैं। असी पढ़ते हाँ कि ईसोफेगस तो मूँह के अंदरले पासे के जोड़े सैल होंगे ने वो सिंपल स्क्वैमस एपीथीलियल टिशू के ही बने होंगे है। और बेटा जड़ी साड़ी स्किन है और जड़ी साडे पूरे दे पूरी बॉडी नूं ढक के रख रही है वह भी ऐसे टिशू की बनी हुई है। क्लीयर बच्चे? आप देख रहे हैं कि जोड़े सैल ने कई तहों में जुड़े होंगे ने। अगर आप टिशू की गल करिए अपने स्किन की तो इदा के कई सैल्स ना प्रॉपर लेयर्स बना बना के जुड़ जाते हैं ताकि जेकर अगर कोई चमड़ी की टुट भज होंगी है उस तो बचा जा सके। तो इट मीनस सैकेंड टाइप का डायग्राम देखो जदों स्केली भी होन सिंपल भी होन या कनाकार यानी कि क्यूब शेप दे या स्तंभकार शेप दे कोलमनर शेप दे इदा दी तेहां वाले तुहानूं सैल्स मिल जाण स्केली सैल्स मिल जाण एक दूजे नाल जुड़े होण तां इस तरह के सैल्स नूं असीं तहदार अधिछद टिशू कहने जो कि सैकेंड टाइप लिखी है। तहदार नाम तो पता चला तहां बनाएंगे अलग अलग लेयर्स बनाएंगे। क्लीयर? दैन थर्ड आती है कनाकार अधिछद टिशू। नाम तो पता चल रहा है कि जेडे ये टिशू के सैल्स होणगे वो घन शेप दे होणगे क्यूबॉइडल एपीथीलियल टिशू किया जाता है। फोर्थ टाइप लिखी हुई है बेटा कॉलमकार। हुण बेटा आप देखते हाँ कि जेडे कॉलम शेप्ड के सैल्स होणगे कॉलम आकार के होणगे उन्होंने असी कॉलमकार अधिछद टिशू कहांगे क्योंकि ये वड्डे कॉलम शेप ने और कई बार इन्हों के उपर बेटा वाला वर्गियां रचनावां लग जांदियां जिन्हां नूं असी की कहने सीलिया। तो इदा के टिशूज़ इदा के टिशू असी की नाम दे रहे हैं सीलियामई कॉलमकार कॉलमाकार अधिछद टिशू क्योंकि इन्होंने मूवमेंट करके इन्हों की गति सीलिया की गति करके जिहड़ी कोई भी म्यूकस है किसी भी पोर्शन के जिमें कि नोज़ के अंदर है या साडी एल्वियोलाई के अंदर है उन्होंने अगे धक्कन विच मदद करेगा। क्लीयर बेटा? चारों टाइप्स। हुण बेटा नैक्सट जो असी बड़े इंपॉर्टेंट टाइप करन जा रहे हैं एनिमल टिशू की वह है कनैक्टिव टिशू। बेटा जो कनैक्टिव टिशू यानी कि जोड़क टिशू है नाम तो पता चल रहा है ये शरीर में वख वख टिशुआं नूं आपस में जोड़न ते वख वख अंगां नूं आपस में जोड़न वजों काम करेगा। हुण जो जोड़क टिशू है बेटा ये जिहड़े सैल हुंदे ने बहुत दूर दूर पए हुंदे है ते किसी ठोस जां तरल पदार्थ में खुब्बे हुए हुंदे है। इस ठोस जां तरल पदार्थ नूं असी अंतर सैली मैट्रिक्स यानी कि इंटरसैलर मैट्रिक्स कहने हैं। बेटा हुण जिहड़ा इंटरसैलूलर मैट्रिक्स है ना जो इहदी नेचर है कि यह ठोस होएगा जां तरल यानी कि लिक्विड फेस च होएगा डिपेंड करता है कि इहदे अंदर किस तरह के सैल्स ने और उन्हें किहड़े वाला फंक्शन परफॉर्म करना है। बेटा जोड़क टिशू दी हुण असीं डिफरेंट टाइप्स करन जा रहे हाँ। सब तो पहली और बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप है बेटा वह है एरियोलर जोड़क टिशू। बच्चे यह जो टिशू है यह चमड़ी
ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਲਹੂ ਵਹਿਨੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾੜਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਵ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ? ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੇਅਰ ਐਂਡ ਟੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਟਿਸ਼ੂ ਨੇ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਨਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਪ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਚਰਬੀਨਾ ਟਿਸ਼ੂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡੀਪੋਜ਼ ਜਾਂ ਫੈਟੀ ਟਿਸ਼ੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਟਾ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਰਬੀ ਟਿਸ਼ੂ ਹੈ ਇਹ ਚਮੜੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪਰਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ? ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ। ਕਲੀਅਰ? ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਟਰਨਲ ਔਰਗਨਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਡੈਲੀਕੇਟ ਔਰਗਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਇਹ ਲੇਅਰਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ। ਥਰਡ ਟਾਈਪ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਬੋਨ, ਬੋਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੱਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੋਨ ਹੈ ਦੋ ਮਿਨਰਲਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਫੋਸਫਰਸ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ, ਸਕੈਲੇਟਨ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ੇਪ ਦੇਣਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਔਰਗਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਫੋਰਥ ਟਾਈਪ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲਿਗਾਮੈਂਟਸ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਹੱਡੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ? ਲਿਗਾਮੈਂਟਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਟਿਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਲਚਕੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ? ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਟੈਂਡਨ ਬਾਰੇ। ਟੈਂਡਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੋਨ ਨੂੰ ਮਸਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟੈਂਡਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਪ ਦਾ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਕਨੈਕਟਿਵ ਟਿਸ਼ੂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਪ ਅਸਥੀ। ਉਪ ਅਸਥੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਰਟੀਲੇਜ। ਬੇਟਾ ਜੋ ਕਾਰਟੀਲੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਖੰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਪਸਥੀ ਹੈ ਉਹ ਹੱਡੀ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਨਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਸਲ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਰਟੀਲੇਜ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੇਟਾ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰੀ ਕੰਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਕਸਟਰਨਲ ਈਅਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਨੋਜ਼ ਟਿਪ 'ਤੇ ਨੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰਾਈਟ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨੱਕ ਦੀ ਟਿਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਟ੍ਰੇਕੀਆ। ਟ੍ਰੇਕੀਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਹ ਦੀ ਨਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਕੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਸ਼ੇਪ ਦੀਆਂ ਕਾਰਟੀਲੇਜਿਨਸ ਰਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਟ੍ਰੇਕੀਆ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਵਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਪ ਜੋ ਹੈ ਕਨੈਕਟਿਵ ਟਿਸ਼ੂ ਦੀ ਬੇਟਾ ਉਹ ਹੈ ਲਹੂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਲੱਡ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬਲੱਡ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ, ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਲਿਕੁਇਡ ਪਾਰਟ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਰਪਸਲਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਂਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਪਲਾਜ਼ਮਾ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫੋਰਮਡ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਘੁੰਮਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲਸ। ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਲ ਰਕਤ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲਾਲ ਰਕਤ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੀ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਉਸ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆਕਸੀ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਬੇਟਾ ਵਾਈਟ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲਸ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਸੋਲਜਰਸ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ? ਔਰ ਥਰਡ ਆਪਾਂ ਸੈੱਲਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਲੇਟਲੈਟਸ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥ੍ਰੋਂਬੋਸਾਈਟਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਬਲੱਡ ਕਲੋਟਿੰਗ 'ਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਖੂਨ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੂਨ ਦਾ ਥੱਕਾ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪਲੇਟਲੈਟਸ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਲਹੂ ਜਿਹੜਾ ਟਿਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਦੀ ਢੋਆ ਢੋਆਈ ਕਰਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਨੀਮਲ ਟਿਸ਼ੂ ਦੀ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਪੇਸ਼ੀ ਟਿਸ਼ੂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਨੀਮਲ ਟਿਸ਼ੂ। ਬੇਟਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਿਸ਼ੂ ਹੈ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਸਲਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪੇਸ਼ੀ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁੰਗੜਨ ਜਾਂ ਫੈਲਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੋਡੀ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਔਰਗਨਸ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲਸ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਬੜੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਈਪ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁੰਗੜਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ
कहने हैं, क्लीयर, एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीनस होंगे इन्हों के अंदर। बेटा जोड़े पेशी टिशू ने यह मेन तीन तरह के होंगे है। सब तो पहले असं पढ़न जा रहे हैं धारीदार पेशी टिशू, धारीदार यानी कि स्ट्राइब्ड, नाम तो पता चल रहा है स्ट्राइब्ड यानी कि स्ट्राइएटड, मीनस यदि बॉडी के उपर हल्के ते गाढ़े रंग दियाँ धारियां होनगियां, क्लीयर। इन्हों स्वै इच्छित पेशियां भी कहा जाता है, स्वै इच्छित मतलब इन, स्वै इच्छित मीनस वॉलंटरी मसल्स, वॉलंटरी मतलब की है मेरी इच्छा च ने, मैं चाहवागी तो काम कराऊंगी। मेनली ये साड़ी हड्डियां दे नाल जुड़े होंगे ने जिदे करके इन्हों स्केलेटल मसल्स भी कहा जाता है, हड्डियां नाल जुड़े ने जिस करके असी देखांगे कि यह साड़ी बॉडी की मूवमेंट विच मदद करेंगे, क्लीयर। सेकेंड टाइप आती है बेटा धारी रहित पेशी टिशू यानी कि अनस्ट्राइएटड मसल फाइबरस। धारी रहित नाम तो ही पता चल रहा है कि इन्हों दे विच धारियां नहीं होंदिया, क्लीयर, और इन्हों अनइछित जड़े पेशी टिशू है कहा जाता है। अनइछित मतलब की हो गया बेटा इनवॉलंटरी, इनवॉलंटरी की है साड़ी इच्छा दे मुताबक काम नहीं करते। हुण इन्हां च जेकर आपां उदाहरण पढ़िए तो बेटा मैं कहूँगी कि अख दा आयरस है, गुरदे की आपां कहिंदे आं मूत्र वहनी है, फेफड़ियां दियां उपसा नालियां ने, इन्हां सारियां दे अंदर एक बहुत लंबे लंबे तो तुसीं डायग्राम च देख सकदे हो तिखे सिरियां वाले यानी कि स्पिंडल शेप्ड सैल्स होंदे आ जिन्हां विच केवल इक्को ही केंद्रक हुंदा है, क्लीयर बच्चे। तो इस करके इन्हों के किड़े किड़े से नाम पढ़े धारी रहित यानी कि अनस्ट्राइएटिड, और इन्हों स्मूथ मसल्स या इनवॉलंटरी मसल्स भी कहने हाँ। थर्ड टाइप असं पढ़ते हैं बेटा दिल टिशू, जिहड़ी दिल पेशी टिशू है ये अंदर आप देखते हैं कार्डिक मसल्स के अंदर कि यह भी अनइछित ने, अनइछित मतलब की हो गया इनवॉलंटरी ने। तुसी देखते हो कि साडे दिल के जिहड़े मसल्स ने वो की करते हैं, जिहड़ा साडा दिल है वह हर समय धड़क रहे, यह तो नहीं है कि असी अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग उसे तो काम लै रहे हैं, नहीं। तो इट मीनस हार्ट के मसल भी की हो गए इनवॉलंटरी हो गए, और आप देख रहे हैं कि यह टायरलैसली मतलब बिना थके सारी उम्र है मसल्स काम करते हैं। इन्हों केवल किड़े मसल्स थकते हैं जिन्होंने असी धारीदार पेशी टिशू कहने हाँ। बेटा लास्ट जो एनिमल टिशू है वेरी इंपॉर्टेंट वो है नाड़ी टिशू यानी कि नर्वस टिशू। बेटा जंतुओं में दिमाग, नाड़ियाँ अते सुखमना नाड़ी मिल के नाड़ी प्रणाली का निर्माण करती है, और तुहानू पता है जो नर्वस टिशू हुंदा है वो नर्व सैल्स यानी कि न्यूरोन्स या नाड़ी सैलों तो मिल के बनया हुंदा है। बेटा जिहड़े नाड़ी टिशू के सैल हुंदे ने एक स्टिमुलस ग्रहण करते हैं, एक संवेदना ग्रहण करते हैं, और फिर उसनू शरीर के वख वख भागों तक नर्व्स द्वारा भेजते हैं, क्लीयर। हुण बेटा तुहाडे सामने एक न्यूरोन का डायग्राम बनया, वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, और तुहानू बहुत अच्छी तरह ड्रॉ करना भी आता है, ठीक है। तुसी देखते हो कि जिहड़ा न्यूरोन दे मुख सैल है उसनू असी साइटोन कहिंदे सी, है ना, जिहनू सैल बॉडी कहिंदे सी, जिस तों आपां देखदे सी धागे वर्गियां या वालां वर्गियां रचनावां निकलदियां सी जिन्हां नू असी की कह रहे सी डेंड्राइट, है ना। और एक कोई एक डेंड्राइट विकसित होकर की बनाती सी एग्जॉन बनाती सी, और एग्जॉन की जिहड़ियां एंडिंग्स देखो नीचे बेटा आप देखते सी जिहड़े सिरे हुंदे सी उहदे ते नाड़ी रेशे हुंदे सी। इट मीनस यानी कि जिहड़ा पूरा एक न्यूरोन है इदां दे किन्ने सारे न्यूरोन्स मिल के साडे अंदर नर्वस टिशू बना रहे ने जो कि सानू एक एक किदां दी सेंस दे रहे ने कि आपां रिस्पोंस दे सकदे आ किसी भी चीज़ तो पहले स्टिमुलस लैंदे आ और फिर उहनू की दिंदे आ रिस्पोंस दिंदे आ। तो बेटा जी मैं उम्मीद करदी हाँ कि जिहड़ा असी अज इह लैक्चर पढ़िया पूरा दा पूरा जिहदे अंदर असी डिफरेंट टाइप्स दे टिशूज़ पढ़े, प्लांट टिशूज़ ते एनिमल टिशूज़, तुहानू बहुत अच्छी तरह क्लीयर हो गया होएगा। डिफरेंट असी एनिमल टिशूज़ दियाँ टाइप्स पढ़िया और दैन असी प्लांट टिशूज़ दियाँ टाइप्स पढ़िया, क्लीयर। हुण इहदे रिलेटेड जदों असी MCQs करांगे तो मैं उम्मीद करांगी कि तुसी उहदे आंसर्स बहुत ईजीली अटैम्प्ट कर पाओगे, क्लीयर बेटा। तो थैंक यू, टेक केयर।